हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टोसियोमेट्री। आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज सीख लेंगे हम लोग। तो कंसंट्रेट कीजिए आप लोग बोर्ड पे। तो टॉपिक है आज हम लोग का स्टोसियोमेट्री। क्या है स्टोसियोमेट्री? देखिए, स्टोसियोमेट्री की अगर हम बात करें तो टॉपिक है आपका स्टोसोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टोसोमेट्री है क्या, व्हाट इज स्टोसोमेट्री। तो कहते हैं केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा कैलकुलेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे किया जाता हो, ऐसे कैलकुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोसोमेट्री कैलकुलेशन कहते हैं। और इस टॉपिक या स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोसोमेट्री कहते हैं। करेक्ट, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए, इसके लिए क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं स्टोसोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए, वो हमें सीखना है। क्योंकि इसमें रूल्स अगर आपके माइंड में हैं तो आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है और सारी कैलकुलेशन आप इजीली वे में कर सकते हैं। इसका सबसे पहले आप टॉपिक का ये रूल्स रूल्स फॉर स्टोसोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टोसोमेट्रिक कैलकुलेशन ठीक है, रूल्स फॉर स्टोसोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो इसके रूल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रूल की बात करें तो सबसे पहला रूल है इसका कि हम लोग क्या करना है, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। किसी भी स्टोसोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले कह रहे हैं राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कंसिडरिंग एन इक्वेशन लाइक N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। हमने क्या किया, एक इक्वेशन कंसिडर कर लिया। सेकेंड रूल, टू एक्सप्रेस द इक्वेशन इन फॉलोइंग थ्री वेज। क्या क्या वो थ्री वेज में इसको एक्सप्रेस करना है इक्वेशन को? तो कहते हैं कि इस इक्वेशन को आप लोग मास के टर्म में, मोल्स के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो सेकेंड रूल हमारा क्या है, तो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन थ्री वेज, एक्सप्रेस एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉलोइंग इक्वेशन इन थ्री वेज, थ्री वेज। क्या है वो थ्री वेज? तो फर्स्ट है इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास। तो देखिए, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूं। आप देखिए, इस इक्वेशन को अगर देखेंगे, आपके पास इक्वेशन है N2 + 3H2 gives 2NH3। तो N2 की अगर हम बात करें, मींस N2 contains 2 atoms of nitrogen, मींस इसके अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 14, बट N2 है, N2 मींस 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका जो मास हो जाएगा वो 2 इंटू क्या होगा, 14, मतलब ये आ गया 28 ग्राम। करेक्ट। अब H2 की बात करेंगे तो 1H2 हैविंग एटॉमिक मास, अगर हम बात करें H2 का मॉलिक्यूलर मास तो 2, तो 3 है, तो 3 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा आपका, 6 ग्राम। और अमोनिया की बात करेंगे तो 2 इंटू 14 इंटू 1, 14 इंटू 1 14 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ये आपका कितना आ गया, तो कहते हैं 34 ग्राम। करेक्ट। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास की बात अगर करें तो कहते हैं 28 ग्राम N2 रिएक्ट विथ 6 ग्राम H2 टू फॉर्म 34 ग्राम NH3। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें आप लोगों को। देखिए, सेकंड है आपका, सेकंड कह रहे हैं इन टर्म ऑफ मोल्स,
इन टर्म ऑफ ऑफ मोल्स, इन टर्म ऑफ मोल्स, मोल्स की अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं इसमें मोल्स की अगर हम बात करें तो आप देखो इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ तो वन कंसीडर करेंगे हम लोग, इसके आगे थ्री है कोफिशिएंट और इसके आगे क्या है टू है, तो जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको इन टर्म ऑफ मोल्स में वन मोल ऑफ एन टू react with three moles of H2 to form two moles of NH3, correct। तो अब देखो हमने इसको मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, हमने क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट की एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन थ्री वेज, तो टू वेज, तो वन वेज क्या था आपका इन टर्म्स ऑफ मास और सेकेंड वेज क्या था इन टर्म्स ऑफ मोल्स, और थर्ड जो आपका है थर्ड वेज जो आप है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड वेज है हमारा, थर्ड वेज है आपका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में अगर जाएंगे तो कहते हैं कोई भी गैस, किसी भी गैस की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं एसटीपी उसका वॉल्यूम क्या कंसीडर करते हैं, तो कहते हैं 22.4 लीटर लेते हैं, करेक्ट। तो अगर आप इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो कह रहे हैं वन मोल एन टू, तो वन मोल एन टू मीन्स इसका वॉल्यूम क्या कंसिडर करेंगे आप 22.4 लीटर। अब आपके पास हाइड्रोजन कितना मोल है तो कहते हैं थ्री मोल्स, थ्री मोल्स मीन्स थ्री इंटू क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4, तो 3 × 22.4 करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, तो जो भी आएगा उसको लिखेंगे हम लोग। उसी तरीके से आपके टू मोल्स क्या है NH3 है, टू मोल्स NH3 मीन्स क्या हो गया 22.4 × 2 करेंगे, तो उसी चीज को हम लोग अब एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे 22.4 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट विथ विथ 67.2 लीटर ऑफ H2 टू फॉर्म 44.8 लीटर ऑफ NH3। तो आप समझ गए होंगे हमने 67.2 कैसे क्यों लिखा है इसको, तो क्योंकि 3 मोल्स हमारे पास H2 है तो 3 मल्टीप्लाई को हमने क्या कर दिया 22.4, तो जिससे आपको 67.2 मिल गया आपको, करेक्ट। और जब इस तरीके से आप इक्वेशन को एक्सप्रेस कर लेते हैं उसके बाद क्या करना होता है, हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होता है फॉर कैलकुलेशन के लिए। तो थर्ड रूल की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड रूल है आपका अप्लाई यूनिटरी मेथड method for calculation, method for calculation, ठीक है। आप देखो नोट करके ध्यान रखना कि किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें मोलर मास, उसका जो मोलर मास होता है उसको हम लोग वन मोल कहते हैं, वन मोल कंसिडर किया, और जो मोलर मास है उसको जब हम लोग वन मोल कंसिडर कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे, तो कहेंगे सर 22.4, तो मोलर वॉल्यूम कितना हो गया 22.4। तो देखो आप इसको जब एक्सप्रेस कीजिएगा तो कह सकते हैं आप कि मोलर मास इक्वल टू मोल्स इक्वल टू क्या कहेंगे आप मोलर वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम क्या होगा आपका तो 22.4 लीटर, ठीक है 22.4 लीटर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए इसके बाद अब हम क्या है इसको थ्योरेटिकली तो हम लोगों ने समझा, अब क्या करना है इसके एप्लीकेशन करना होगा, समझेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर और क्लियर कर पाएंगे आप लोग अपने आप को, कनेक्ट भी कर पाएंगे अपने आप को। तो देखिए क्वेश्चंस की अगर हम बात करें
तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन है आपका, नोट डाउन करेंगे आप, एंड आइए 10 ग्राम N2 कंबाइन विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2 टू फॉर्म NH3 फाइंड फर्स्ट मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 10 ग्राम N2. सेकेंड फाइंड द मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. तो देखिए इसमें तो आप क्वेश्चन लिख लिए, अब इसके बाद क्या करना है, हमको रूल्स पे आना है। तो अगर रूल्स की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट रूल आपका क्या है, तो कहते हैं सर इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो अभी देखो जो इक्वेशन हम लोग ले रहे थे एग्जाम्पल में, इसको समझने के लिए सेम इक्वेशन इसमें भी आपका फॉर्म होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, N2 कंबाइन विद H2 क्या फॉर्म हो रहा है, NH3। तो आप एक्सप्रेस कर दीजिए, N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3। देखो बच्चों बार बार हम साइन जो लगा रहे हैं ना, रिवर्सिबल का साइन लगा रहे हैं, ये साइन क्या है, रिवर्सिबल, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहे हैं, N2 प्लस, क्योंकि ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, करेक्ट। अब देखो इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। तो क्या एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास में, तो कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, according to balanced chemical equation, 28 ग्राम N2 combined with 6 ग्राम H2 to form 34 ग्राम NH3, 34 ग्राम NH3, करेक्ट। अब देखो, अब हम अगर बात करें कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, बट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन ओनली 10 ग्राम नाइट्रोजन, गिवन अमाउंट ऑफ N2 इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या था, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया। सेकंड था एक्सप्रेस करना इक्वेशन को, तो हमें क्वेश्चन मास के टर्म में गिवन था, तो बच्चों हमने इक्वेशन को मास के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब आगे रूल क्या कहता है, इसको क्या करना है, स्टोसोमेट्रिक कैलकुलेशन अप्लाई करना है और हमें कैलकुलेट करना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए आगे अगर हम बात करेंगे, अगर तो अब इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो कहते हैं अप्लाई यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 28 ग्राम N2 कंबाइंड विथ 6 ग्राम H2, देयरफॉर 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होगा, तो कहेंगे आप 6/28। तो जब 1 ग्राम हमारा 6/28 है, तो 10 ग्राम के लिए क्या होगा, तो 10 ग्राम के लिए तो 6/28 × 10 कर दीजिए आप,
तो ये आपका 14 5, ये आपका आ गया 30 अपॉन 14, तो ये आप जाएंगे तो 2.1 समथिंग जो भी होगा आपका आ गया क्या अमाउंट ऑफ H2 रिक्वायर्ड। तो आपको फर्स्ट आंसर मिल गया कि 10 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना ग्राम H2 चाहिए आपको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, तो कहते हैं सर 2.1 ग्राम चाहिए हमें, करेक्ट। सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे, सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ NH3 फॉर्मड इन द इक्वेशन। तो मास ऑफ NH3 फॉर्मड इन द इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे आप, फिर आप लिखिए इक्वेशन। तो आप देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पहले जो आपने इक्वेशन लिखा है उसको देखिए, तो कहेंगे आप कि 28 ग्राम N2 फॉर्म कितना बन रहा है आपका, तो कहते हैं सर 28 ग्राम N2 फॉर्म 34 ग्राम NH3 एज पर इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है मास किसका, तो अमोनिया का। तो जैसे हमें हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना था तो हमने नाइट्रोजन के मास को हाइड्रोजन के मास के साथ कंपेयर कर दिया, उसी तरीके से आप क्या करना है, नाइट्रोजन को अमोनिया के साथ कंपेयर कर दीजिए। तो क्या कहेंगे, 28 ग्राम N2 34 ग्राम, देयरफॉर 1 ग्राम की बात करेंगे तो 34 अपॉन 28, तो अब आप बताइए कितने में, तो कहते हैं सर 10 ग्राम में, तो 10 ग्राम में तो 34 अपॉन 28 इंटू 10, तो अब फाइंड आउट कर लीजिए इसको, ये हो गया 14, ये हो गया 5, अब आपका आ गया 34 अपॉन 14 इंटू 5, ये आपका 7, ये हो गया आपका 17, ये आपका 85 अपॉन 7। तो देख लीजिए जो भी आएगा एक्स वाई जेड ये क्या है उसका आंसर हो जाएगा। ये जो भी होगा एक्स ग्राम हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आई बात समझ में आप लोगों को, अगर कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप बताइए, उसको आगे हम लोग दोबारा समझेंगे। किसी को जैसे दो पार्ट थे इसमें, कोई ऐसा पार्ट जो आपको लग रहा है सर हमें दोबारा समझने की जरूरत है, तो आप बता सकते हैं उसको और देख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे और सम करेंगे और समझते चलेंगे आगे। चलिए देखिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें इसमें, एक तो आपने ये समझा, दूसरा एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं। राइट अनदर क्वेश्चन। अब देखो आपने ये क्या था, मास के टर्म में क्वेश्चन लिया था, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मास और मोल्स के टर्म में समझते हैं, मास और मोल्स के टर्म में लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 2 ग्राम Mg react with required amount of O2 to form magnesium oxide MgO, correct, find first moles of O2 required, second mass of MgO and moles of MgO in the reaction, ठीक है। तो देखिए moles of O2 find out करना है और आपको mass of MgO find out करना है किसमें, equation में। तो जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, rules apply किया, first क्या था आपका कि sir right balance chemical equation, second क्या था आपका तो सर उसको एक्सप्रेस करना है जिसके टर्म में क्वेश्चन आपको पूछा गया, मास के टर्म में मोल्स के टर्म में उसके टर्म में उसको एक्सप्रेस कीजिए। थर्ड क्या है, तो थर्ड कहते हैं सर फिर तो वही सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है और कैलकुलेशन हम लोगों को करते चले जाना है, ठीक है। तो आइए ध्यान दिया जाए,
तो देखेंगे आप सबसे पहले क्या है सॉल्यूशन में, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, तो कहते हैं सर Mg प्लस O2, ये क्या बनेगा आपको, तो कहते हैं सर MgO। इसको बैलेंस कर दीजिए, तो बैलेंस कीजिएगा तो आप 2 लगा दीजिए, ये भी 2 लग गया, ये बैलेंस हो गया। अब इसको आप एक्सप्रेस कीजिए, आपको क्वेश्चन दो टर्म में पूछा गया, मास के टर्म में भी पूछा गया है और मोल्स के टर्म में भी पूछा गया है आपको, तो इसको एक्सप्रेस कीजिए। सेकंड पॉइंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहेंगे आप सर, 24 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 मोल्स एम जी है आपके पास, एटॉमिक मास ऑफ एम जी 24, तो 24 ग्राम, दिस 24 ग्राम तो आपका कितना आ गया 48 ग्राम। अब O2 की बात करेंगे तो 16 × 2, ये कितना आ जाएगा आपका 32 ग्राम, और ये कितना बनेगा आपका, तो 2 × 24 × 1 + 16। तो अब आप देखो इसको अगर सम कीजिएगा आपको तो ये आपका कितना आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा, 80 ग्राम। तो देखो कह सकते हैं हम लोग कि 48 ग्राम Mg required, 48 ग्राम Mg required 32 ग्राम O2 to form 80 ग्राम MgO, 80 ग्राम MgO। इसको एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है ये फॉर्म हो रहा है आपका। अब देखो इसको, ये आपका मास के टर्म में था, इन टर्म ऑफ मास। अब के बात करें इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे आप कि सर 2 मोल ऑफ Mg कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ MgO, 2 मोल्स ऑफ MgO। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 2 मोल्स Mg है, 1 मोल O2 के साथ कंबाइन होता है, कितना फॉर्म होता है 2 मोल्स ऑफ MgO बनता है, ठीक है। अब आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इसमें कैलकुलेशन की बात, समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि दो पार्ट है आपके पास फाइंड आउट करने के लिए, एक है आपका मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, सेकेंड है आपका मास ऑफ MgO एंड मोल्स ऑफ MgO। तो देखो इक्वेशन की ओर हम आगे बढ़े अगर, तो आप फर्स्ट पार्ट पे आइए। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, मास को मोल्स के साथ इक्वेट करते हैं, क्योंकि अब आपको मैं दोबारा इक्वेशन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे Mg प्लस O2, ये आपका था MgO, 2 MgO, तो अब देखो इसका मास 48 ग्राम था, तो 48 ग्राम को हम अगर बोलें आपको कि कितना O2 चाहिए तो कहेंगे सर 1 मोल, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मोल है, ठीक है। तो ये 1 मोल है और ये आपका 2 मोल है, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 48 ग्राम Mg रिक्वायर्ड, 48 ग्राम Mg रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। Therefore 1 ग्राम को कितना चाहिए, तो कहेंगे सर 1/48। तो आप पीछे जाकर के एक बार देख लीजिए कि कितना था क्वेश्चन में आपको गिवन, 2 ग्राम था, करेक्ट। तो 2 ग्राम की अगर हम बात करेंगे, therefore इन 2 ग्राम, तो 2 ग्राम में क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि सर 1/48 into 2, तो आपका आ गया कितना,
कहेंगे सर 2/48 मीन्स ये आपका 1/24 मोल्स हो गया इसका आंसर करेक्ट। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे, देखो बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का, कोई क्वेश्चन है मन में तो आप डाल सकते हैं, हम लोग दोबारा इसको समझ सकते हैं अगर किसी तरीके के कैलकुलेशन में अगर को आपको कोई प्रॉब्लम है तो। तो देखिए सेकेंड है आपका क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ MgO एंड मोल्स ऑफ MgO। तो आप सेम यहां से देख सकते हैं, मास पहले आपको फाइंड आउट करना है, तो कह सकते हैं कि 48 ग्राम Mg फॉर्म 80 ग्राम MgO। 1 ग्राम में कितना फॉर्म होगा, तो 80/48 therefore in 2 ग्राम में कितना फॉर्म होगा, तो 80/48 into 2 ये आपका 24, तो आपका आ गया 80/24 ग्राम, ये आपका क्या बनेगा MgO फॉर्म होगा करेक्ट। अब इसमें आपको थर्ड पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ MgO, कह रहे हैं मोल्स ऑफ MgO फाइंड आउट करना है। तो एक तो अगर आपने मास फाइंड आउट कर लिया है तो आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मोल्स का क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप डायरेक्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, कि आप कह सकते हैं कि 48 ग्राम जब हम Mg लेते हैं तो 2 मोल्स ऑफ MgO फॉर्म होता है, तो 1 ग्राम में कितना फॉर्म होगा, तो 2 ग्राम में आपका क्या फॉर्म होगा करेक्ट। तो कह सकते हैं 48 ग्राम फॉर्म 2 मोल्स, therefore 1 ग्राम में कितना बनेगा, तो 2/48 therefore कितने में, तो आपको बताना है 2 ग्राम में means 2/48 into 2, तो ये आपका आ गया 4/48 ठीक है, तो ये आपका 2, ये आपका हो गया 24, ये आपका 1 और ये हो गया 12, ये हो गया 12, तो आप कह सकते हैं 1/12 मोल्स करेक्ट। ये आपका इस तरीके से, ये बिल्कुल फंडामेंटल्स बेसिक क्लास था आपका स्टोशियोमेट्रिक का ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब हम लोग इसको मोल्स के साथ अभी मास के टर्म में, अभी और भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे, फिर इसको हम लोग एटम्स है मोल्स है मॉलिक्यूल्स है उसके साथ कंपेयर करेंगे, और इस तरीके से आप स्टोशियोमेट्रिक का ये जब सेकेंड वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें आप उसको बेटर और भी एक्सप्लेन करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ। और इसके और बेटर समझने के लिए आपको क्या करना है, मोल्स मॉलिक्यूल्स ये सब आपको पढ़ना है, एक बार रिवाइज करके रखना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।